Hello everyone, welcome back to the channel One Act Language Classes. How are you all? I'm fine over here. I'm back with another video for the class 12 board examination series, and in this video we'll be covering a chapter that is Lost Spring by Anise Jung. Now Lost Spring is a chapter which has two stories in it. एक स्टोरी में बात हो रही है हमारे प्यारे साहिबे आलम की और दूसरी स्टोरी में बात है हमारे अपने मुकेश की। दोनों ही चैप्टर्स में एक सिमिलैरिटी है, चैप्टर की जो थीम है वो रिवॉल्व करती है अराउंड द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, अबाउट द पुअर चिल्ड्रन हु हैव अ लॉट ऑफ ड्रीम्स, अ लॉट ऑफ होप्स, लेकिन वो सारे होप्स वो सारी ड्रीम्स चूर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी, बिकॉज ऑफ द सोसाइटी। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। इसमें जो हमारी नैरेटर है वो अनीस जंग है, और उनकी जो मीटिंग हुई है साहिबे आलम के साथ में, जो उनका इंटरेक्शन हुआ है उसके ऊपर बेस्ड है पूरा का पूरा पहला चैप्टर। तो पहला चैप्टर में, पहले स्टोरी में हमारा ये है दैट अनीस जंग मिलती है एक लड़के से जिसका नाम होता है साहिबे आलम, और अनीस जंग बोलती है कि उस बच्चे को शायद से अपने नाम का सही मतलब नहीं पता था, साहिबे आलम का क्या मतलब है। लेकिन वो जब उस बच्चे से बात करती है तो उन्हें काफी कुछ पता चलता है। उस बच्चे से वो पूछती हैं कि क्या तुम कभी स्कूल गए हो, तुम स्कूल जाते हो? तो वो बच्चा बोलता है कि नहीं, मैं स्कूल नहीं जाता क्योंकि मेरी लोकेलिटी में स्कूल नहीं है। तो अनीस जंग उससे एक झूठा वादा करती हैं, उससे कहती हैं कि मैं तुम्हारे लिए स्कूल ओपन करूंगी। और ये बात सुन के साहिब ए आलम के आंखों में जैसे एक चमक सी आ जाती है, वो इतना खुश हो जाता है ये बात सुन के, और उसके अंदर एक नई होप आ जाती है। लेकिन जब अनीस जंग को रियलाइज होता है कि वो एक ऐसी बात बोल के आई है जो वो फुलफिल नहीं कर सकती, तो वो उस लड़के से बात करती है। वो नहीं चाहती कि उससे ऐसा कोई वादा करे जो वो पूरा ना कर पाए, क्योंकि एक ऐसे बच्चे के दिल में अगर आप होप देते हो जो ऑलरेडी होपलेस हो रखा हो कहीं ना कहीं, तो वो काफी बुरी बात है। अनीस जंग जब उससे बात करती है तो उन्हें पता चलता है कि साहिब के जो पेरेंट्स थे वो बांग्लादेश से इंडिया आ गए थे 1971 में, क्योंकि वहां पे उनका घर तूफान में बर्बाद हो गया था, ड्यू टू विच दे वर नॉट एबल टू सस्टेन इन बांग्लादेश, और वो इंडिया आ गए इस उम्मीद में कि यहाँ पे उन्हें एक बेटर लाइफ मिलेगी, यहाँ पे उन्हें बेटर वर्क मिलेगा जिससे वो अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर पाएंगे। बट लाइफ हैड अदर प्लान्स। जब वो यहाँ पे आए तो वो सीमापुरी नाम की एक जगह है दिल्ली में, वहाँ पे स्लम एरिया है, और वहाँ पे जितने भी माइग्रेंट्स हैं जो बांग्लादेश से आए हैं मेजॉरिटी में वही लोग रहते हैं वहाँ पे। वहां का एक कॉमन प्रोफेशन है वो है रैग पिकिंग। ज्यादातर लोग वहां पे रैग पिकर्स हैं। रैग पिकर्स का मतलब है वो लोग जो कचरा उठाते हैं, वो लोग जो कबाड़ को पिक करते हैं उससे अपना लाइवलीहुड चलाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रैग पिकर्स। तो साहिब के पेरेंट्स सीमापुरी आके सेटल हो गए। उनके पास में ना तो कोई वैलिड आईडी प्रूफ था, ना राशन कार्ड, ना वोटर कार्ड, क्योंकि अनीस जंग कहती हैं कि आईडी प्रूफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपना पेट पालना। इट इज मोर इम्पॉर्टेंट टू फीड योर स्टमक दैन टू हैव अ वैलिड आईडी प्रूफ। और ये बात सही भी है, जब कोई बहुत गरीब होता है ना तो उसको आईडी प्रूफ की कोई भी टेंशन नहीं होती, उसे आईडी प्रूफ की नहीं पड़ी होती, उसे कोई डर नहीं होता किसी भी चीज का, उसे बस एक चीज का डर होता है कि उसके बच्चे भूखे पेट ना सोएं, उनको भूखे पेट ना सोना पड़े, उन्हें एटलीस्ट खाने के लिए दो वक्त की रोटी तो मिल ही जाए। तो अनीस जंग जब उससे बात करती हैं साहिबे आलम से, तो उनको एक बात समझ में आती है कि ये बच्चा भले ही कितना भी गरीब हो लेकिन इसके अंदर की जो हिम्मत है वो बहुत काबिल तारीफ है। जब वो उसे पूछती हैं कि तुम स्कूल क्यों नहीं गए, तो उसने बोला कि मेरी लोकेलिटी में स्कूल नहीं है इसीलिए नहीं गया। और जब उन्होंने बोला था उससे कि मैं तुम्हारे लिए स्कूल बनवा दूंगी, मतलब ओपन कर दूंगी, तो वो काफी खुश हो गया था। लेकिन वो आगे चल के बताता है कि हमारे लिए जो ये रैग पिकिंग है, हमारे लिए ये मानो जैसे गोल्ड है। जो चीज लोगों के लिए कचरा होती है वो हमारे लिए हमारी रोजी रोटी है। और साहिब जैसे बाकी बच्चे जो उसके साथ में रहते हैं, जो उसके साथ में गुजाते हैं रैग पिकिंग के लिए, वो बच्चों के लिए वो पूरा का पूरा गार्बेज एक गोल्ड माइन से कम नहीं है। कभी कभी उन्हें 1 रुपी कॉइन मिलता है, कभी कभी उन्हें 10 रुपए मिल जाते हैं उस कचड़े में, और उनके लिए यही बहुत बड़ी बात है, यही बहुत बड़ा अचीवमेंट है उनके लिए। अगली बात, अनीस जंग देखती है कि साहिब के पैरों में चप्पल नहीं है, वो नंगे पैर है, ही इज बेयरफुट। तो वो उससे पूछती हैं कि ऐसा क्यों, तुम नंगे पैर क्यों हो?
तो देखो यार, हिम्मत की बात हम लोग कर रहे थे, उस छोटे से बच्चे में कितनी समझदारी है, वो कितना समझदार है। वो चाहता तो ये बोल सकता था कि अरे मैं बहुत गरीब हूं, आप प्लीज मुझे चप्पल दिला दो, प्लीज मेरी हेल्प कर दो, राइट। लेकिन वो इतना सेल्फ रिस्पेक्टेड था, उसके अंदर इतना ज्यादा स्वाभिमान था कि उसने एक बार भी नहीं बोला कि मैं बहुत गरीब हूं और इसीलिए मेरे पास पहनने को चप्पल नहीं है। उसने बोला कि इट इज आवर ट्रेडिशन नॉट टू वेयर शूज, हमारा ट्रेडिशन है ये, हमारे यहाँ कोई भी जूते नहीं पहनता, हम सब नंगे पैर चलते हैं। उसने अपने ट्रेडिशन को इतना अच्छे से एक्सेप्ट किया हुआ है, हालांकि उनका ट्रेडिशन ये नहीं है। अगर उनके पास में रिसोर्सेज होते तो वो डेफिनेटली जूते चप्पल पहनते, किसी को शौक नहीं होता यार नंगे पैर चलने का, बहुत तकलीफ होती है। बट उसके पास में ना तो चप्पल थी, ना उसके पास में ढंग के कपड़े थे, ना उसके पास में खाने को रोटी थी, और ना ही उसके पास में कोई सेफ्टी मेजर्स थे। साहिब जैसे बच्चे इतनी कम एज में इतने हजार्डस वेस्ट के साथ में एक्सपोज होते हैं डेली, कि उनको न जाने कितनी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिनका उन्हें शायद पता भी नहीं चलता, क्योंकि उनके पास हॉस्पिटल जाके चेकअप कराने तक के पैसे नहीं होते। दैट इज द रियलिटी ऑफ द स्टोरी। और स्टोरी के जब हम एंड की तरफ बढ़ते हैं तो अनीस जंग उससे बात कर रही होती हैं, तो वो बताता है कि मुझे टेनिस का गेम बहुत पसंद है, और हाल ही में मुझे एक कोई कोई है, उन्होंने अपने यूज्ड टेनिस शूज दिए हैं, और मैं वो शूज मेरे पास हैं। लेकिन अनीस जंग को लगता है कि ये कितनी एक पेनफुल बात है कि इस बच्चे के पास में टेनिस के शूज तो हैं और इसको टेनिस का गेम इतना पसंद है, लेकिन फिर भी ये कभी अपनी लाइफ में टेनिस का गेम खेल नहीं पाएगा, क्योंकि जिसके पास में दो वक्त की रोटी अरेंज करने के पैसे ना हो, वो टेनिस जैसा एक्सपेंसिव गेम क्या ही खेलेगा। बट इन सारी प्रॉब्लम्स के बीच एक बात है जो बिल्कुल कांस्टेंट रहती है, और वो ये कि साहिब का जो उसकी जो जुनून है अपनी लाइफ को लेके, वो जिस तरह हैप्पी रहता है, वो जितना फ्री रहता है, उतना शायद कोई एक अच्छे घर का इंसान भी नहीं रह पाता। साहिब के पास कुछ नहीं है खोने को, स्टिल वो इतना खुश है। उसके पास में ना तो पैसे हैं, ना कपड़े हैं, ना जूते हैं, स्टिल वो अपनी लाइफ से बहुत सेटिस्फाइड है। और फिर अंत में हमें मालूम पड़ता है कि साहिब को ना एक जॉब मिल गई है, एक टी स्टॉल में एक जॉब मिली है उसे, और वो जॉब कर रहा है वहां पे, चाय लेके जाता है सबके पास में। और अनीस जंग जब उससे मिलती है तो वो देखती है कि साहिब उतना खुश नहीं है जितना कि वो पहले था। और अनीस जंग उसमें बोलती हैं दैट ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि चाय की उस केतली का वजन उस कचरे के जो बैग जो ये अपने कंधों पे लेके घूमा करते थे बच्चे, उससे कहीं ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि चाय की केतली जब वो लेके जाता है तो उसके ऊपर उस जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से उसका बचपन कहीं खो गया है। हेंस द फ्रीडम ऑफ दैट चाइल्ड हैज बिन लॉस्ट एंड ही इज नाउ अ रिस्पॉन्सिबल बॉय हु रियलाइजेस हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स हिज फैमिली एंड हिज पीपल। दैट्स द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट की हम बात करें तो बात है मुकेश की, और जगह है हमारी फिरोजाबाद। फिरोजाबाद एक बहुत पॉपुलर जगह है अपनी बैंगल मेकिंग के लिए। मुकेश एक ऐसा लड़का है जो चाहता है कि वो एक ड्राइवर बने, एक मोटर मैकेनिक बने, बट उसकी सोसाइटी में ये ट्रेडिशन है कि भाई हमारे यहाँ सब चूड़ियां बनाते हैं तो तुम भी चूड़ियां बनाओगे। हालांकि मुकेश को कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, वो नहीं चाहता इस प्रोफेशन में रहना, बट क्या करें, ट्रेडिशन है, कम्युनिटी है, उसको भी फॉलो करना पड़ता है। अनीस जंग मुकेश के साथ में उसके घर तक जाती है, मुकेश उनको लेके जाता है अपने घर में, और उस घर का जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत ही ज्यादा टेरिबल है। एक टीन शेड पड़ा हुआ है ऊपर से, अंदर बस पत्ते पड़े हुए हैं गैस के ऊपर, वो पक रहे हैं खाने के लिए, खाने के लिए दो वक्त की रोटी भी नहीं है किसी के पास में। और फिरोजाबाद एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चे बड़े तो क्या, बच्चे भी बैंगल मेकिंग के काम में इन्वॉल्व हैं, और अडल्ट बनने से पहले ही कई सारे बच्चे अपनी आई साइट खो देते हैं क्योंकि बैंगल मेकिंग में वो इन्वॉल्व होते हैं विदाउट एनी सेफ्टी मेजर्स। उन्हें ये तक नहीं पता होता कि बैंगल मेकिंग में इतने छोटे बच्चों का होना इलीगल है। दे आर सो अनअवेयर अबाउट देयर राइट्स, दे आर सो अनअवेयर अबाउट एवरीथिंग। जब मुकेश से वो मिलती है
तो मुकेश उन्हें अपने घर ले जाता है, उनके घर का हाल वो देखती है, और वहीं पे एक दूसरी फैमिली है जिसमें एक हस्बैंड है जो बहुत खुश है। किस बारे में? वो इसलिए खुश है क्योंकि वो आखिरकार अपनी लाइफ में एक घर बनाने में कामयाब हो गया। उसने फाइनली एक छत बना ली अपनी फैमिली के लिए जिसमें वो रह सकते हैं। लेकिन जो वाइफ है वो अभी भी कंप्लेन कर रही है। कंप्लेन किस लिए? क्योंकि उस बेचारी को आज तक अपनी लाइफ में एक प्रॉपर मील खाने को नहीं मिला। उसने आज तक भर पेट खाना एक बार भी नहीं खाया अपनी लाइफ में। कैन यू इमेजिन दिस? हमें अगर कभी बहुत भूख लगी हो और हमें एक रोटी कम मिल जाए तो हम इरिटेट हो जाते हैं, हम चिल्ला पड़ते हैं, बौखला जाते हैं। कभी अगर खाने में नमक ज्यादा हो जाए तो हम खाना छोड़ देते हैं। कभी खाना अगर ठंडा हो जाए तो हम खाना नहीं खाते हैं। और जस्ट इमेजिन सच पीपल जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ बिता दी और उनको आज तक एक प्रॉपर मील तक नहीं मिला। आई कांट इवन इमेजिन द पेन दैट सच पीपल गो थ्रू, एंड नीदर कैन यू। वी ऑल कैन जस्ट सिंपथाइज विद देयर पेन्स। वी ऑल कैन जस्ट यू नो ट्राई टू यू नो कनेक्ट विद द पेन दैट दे फील, येट वी फेल इन इट। स्टोरी जब आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि मुकेश अपने भाई के साथ में रहता है वहां पे, और उसका भाई भी बैंगल मेकिंग में ही इन्वॉल्व है। और वहां के लोगों का मानना है कि बैंगल मेकिंग में होना उनकी डेस्टिनी है। वो मानते हैं कि ये उनके पिछले जन्म के या तो कर्म है जिसकी वजह से वो इस कास्ट में पैदा हुए और उन्हें बैंगल मेकिंग करनी पड़ी। और प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई चाहे भी किसी नए काम में जाना तो पहली दिक्कत यह है कि उनके पास में पैसे नहीं है। दूसरी बात यह है कि मान लो पैसे अरेंज हो भी गए तो भी वहां पे अगर कोई भी नया काम स्टार्ट करोगे तो आपको पुलिस वाले, साहूकार, मिडिलमैन और पॉलिटिशियंस प्रोसिक्यूट करेंगे, आपको परेशान करेंगे और आपको सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। इसी वजह से वहां के सभी लोगों के अंदर कुछ नया करने की, जिंदगी को जीने की जो विल होती है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है और खत्म हो ही जाएगी अगर हमारे पास रिसोर्सेज ना हो, हमारे पास एजुकेशन ना हो, हमारे पास कोई सपोर्ट ना हो, तो हम ऑब्वियसली बात है होपलेस हो जाते हैं। हमारे पास उम्मीद के लिए कुछ बचता नहीं है और फिर हम बस एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी फेट को और हम यही सोचते हैं कि ठीक है यार, जो हो रहा है वो हमारी किस्मत है, हमारी किस्मत खराब है, हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अनीस जंग ये बात बोलती है कि इतना सब बुरा होने के बाद भी मुकेश और साहिब जैसे बच्चे अपनी लाइफ को अपनी रूल्स पे जीते हैं, ना कि सोसाइटी के रूल्स पे। मुकेश एक ऐसा लड़का है जो इतने अजीब ट्रेडिशंस और इतने अजीब सोसाइटी के बीच रहने के बाद भी उसके अंदर एक हिम्मत है। वो चाहता है कि वो इस ट्रेडिशन से लड़े, वो चाहता है कि वो इस सोसाइटी को सही करे, वो चाहता है सोसाइटी के अगेंस्ट जाना और वो कुछ भी करके अपना सपना पूरा करना चाहता है। वो सपना जो था एक कार ड्राइवर बनने का, एक मोटर मैकेनिक बनने का, और वो कुछ भी करने को तैयार है टू फुलफिल हिज ड्रीम। द मैसेज ऑफ द स्टोरी, बोथ द स्टोरीज इज दैट पॉवर्टी एक्चुअली फिनिशेज, एक्चुअली किल्स ऑल द ड्रीम्स एंड होप्स ऑफ मेनी किड्स अराउंड द वर्ल्ड, स्पेशली इन इंडिया। और खास करके ये जो रैग पिकर्स हैं, जो लोग कहीं और से माइग्रेट होके यहाँ पे आए, ये ना तो रिस्पेक्ट मिलती है इन्हें, ना ही इन्हें कोई यू नो रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन में आने दिया जाता है, ना एजुकेशन मिलती है और ना सही लाइफस्टाइल मिलती है। ये लोग इतने बुरे हाल में रह रहे हैं हमारे देश में कि शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके आसपास की सोसाइटी में आपको ये सब लोग मिल जाएंगे। कभी अगर वक्त हो तो इनके पास जाना, इनके साथ बैठना, इनसे दो बातें करना, तो आपको समझ आएगा दैट हाउ प्रिविलेज्ड यू आर एंड हाउ मिजरेबल दे आर। दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। आई डोंट हैव मच टू से अबाउट दिस। स्टोरी की बात है तो स्टोरी बहुत ही यू नो अवेकनिंग स्टोरी है, आपको बहुत ही कुछ समझा के जाएगी। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैसेज एंड आई होप यू गॉट द पॉइंट व्हिच आई एक्सप्लेन्ड। आई होप यू लाइक द वीडियो। If you did, please tell me in the comment section. और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज कॉमेंट में जरूर बताना। आई रियली रिस्पेक्ट ऑल द कॉमेंट्स दैट यू गाइज थ्रो इन टू मी। आई रियली लव ऑल द सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग मी, कीप यू नो कीप स्टेइंग कनेक्टेड विद मी। आई विल कीप ऑन ब्रिंगिंग न्यू कॉन्टेंट फॉर यू ऑल। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय।